नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में आप बने रहे, मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि यहां पर आपको सटीक और सही जानकारी दी जाती है। दोस्तों, इसमें 138 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अप्लाई डेट है 17 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक। आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही इसमें एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया, अगर आप SC ST कैंडिडेट और फीमेल हैं तो आपको 150 रुपया एप्लीकेशन फी लगने वाला है। आपका एज लिमिट 1 अगस्त 2020 को 21 बरस से आपको 37 बरस होना चाहिए। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ में, या आपको MBA फाइनेंस CA होना चाहिए, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी रखा गया है। जनरल के लिए 54 पोस्ट है, EWS के लिए 14 और SC के लिए 22, ST के लिए 2 पोस्ट है, EBC के लिए 25 है और BC के लिए आपको 17 पोस्ट है, और BC फीमेल के लिए 4 पोस्ट रखा गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन के लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो बनाकर आप लोग के बीच लाता हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब के और प्राइवेट जॉब की सारी सटीक और सही जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।